मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ खीर। चावल की खीर तो आपने बहुत खाई होंगी, पर आज मैं बनाने वाली हूँ आटे की खीर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कटोरी गेहूँ का आटा ली हूँ। सबसे पहले हम आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे गूँथ लेंगे। जिस तरह हम आटा गूँथते हैं रोटी के लिए, उसी तरह से हमें सॉफ्ट आटा गूँथ लेना है। आटे को हमने गूंथ लिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे कि आटा हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब आटे को हम फिर से एक बार इस तरह से मसल लेंगे। अब एक प्लेट में हम थोड़ा सा आटा लेंगे। अब हाथों में हम आटा लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण लेकर इस तरह से बनाएंगे हम, और आटे में डालते जाएंगे ताकि वो आपस में चिपके नहीं। इस तरह से हमें बनाते जाना है और आटे में मिक्स करते जाना है। छोटा छोटा थोड़ा सा पोर्शन ले आप इस तरह से। इसी तरह से सभी को हमें बनाते जाना है और आटे में डालते जाएंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसी तरह हम बाकी सभी को भी बना लेंगे। इस तरह से हमने सभी को बना लिया है। अब इसे हम इस तरह आटे में मिक्स कर देंगे। अब इसे हम एक छलनी में छान देंगे। इस तरह से छान देंगे ताकि सारे आटे जो हमारे निकल जाएं। ये देखिए, ये सब ये अलग अलग हैं, आपस में चिपके नहीं हैं। गैस पर हमें कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच लगभग घी डाला है। अब घी को हम इस तरह चारों तरफ से कढ़ाई में फैला देंगे और इसमें हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन भून लेना है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसे हमें थोड़ा सा और लाल कर लेना है। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं दूध डालूंगी। ये हमारा दूध गर्म किया हुआ दूध है। आप कच्चा दूध मत डालें, गर्म किया हुआ दूध डालें। यहाँ पर मैं 2 गिलास दूध डाली हूँ। अब इसमें हमें दूध में ही पकाना है। अगर आपके पास दूध कम हो तो 1 गिलास दूध डालें और 1 गिलास पानी डाल कर भी बना सकते हैं। इससे आप लगातार चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर पर आप, नहीं तो दूध जो है हमारे तले में चिपकने लगेंगे। मैंने इसे आटे का खीर नाम दिया है।
गांव में लोग इसे गुड फिटी कहते हैं। औरतें जब इतवार यानी संडे व्रत रहती हैं तो इस उसमें यह गुड फिटी और रोटी खाया जाता है। यह व्रत साल में 2 बार मनाया जाता है, 6 महीने पर उठाया जाता है और 6 महीने पर बैठाया जाता है। औरतें यह व्रत पुत्र और पति की सलामती के लिए करती हैं। अब यहीं पर मैं 1/2 कटोरी चीनी डाल रही हूँ, आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। यह खीर इतवार व्रत में खाया जाता है। माँ जब यह व्रत रहती थी तो यह खीर बनाती थी। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। तब तक हमें इसे पकाना है जब तक ये हमारे आटे की जो खीर है अच्छी तरह से पक ना जाए। खीर हमारी पहले से गाढ़ी हो चुकी है, इसे थोड़ा हमें और गाढ़ा कर लेना है। खीर हमारी बनकर तैयार है। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ ताकि खीर में अच्छी सी खुशबू आ सके। अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि खीर जब हमारी ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। गूंथे हुए आटे की हमारी खीर बनकर तैयार है। यह बहुत ही टेस्टी लगती है। जब भी आपको कुछ अलग खीर खाने का मन करे तो इसे एक बार ट्राई अवश्य कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग इस रेसिपी का आनंद उठा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहे मीना की रसोई।